राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच चार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचिकाओं में लड्डू की जांच कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वाई वी सुब्बा रेड्डी, विक्रांत संपत और दुष्यंत श्रीधर शामिल है। सुरेश चौहान की ओर से सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर दलीलें रख रही है। सिद्धार्थ लूथरा और मुकुल रोहतगी आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद है। सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से वरिष्ठ वकील राजशेखर राव ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मैं एक श्रद्धालु के तौर पर कोर्ट में पेश हुआ हूं। प्रसाद में मिलावट पर जो बयान मीडिया में दिया गया है उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। इससे कई मुद्दे उठेंगे और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। यह चिंता का विषय है। अगर भगवान के प्रसाद पर कोई प्रश्न चिन्ह है तो इसकी जाँच होनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा, जब प्रसाद में पशु चर्बी होने की जांच खुद सीएम ने एसआईटी को दी है तब उन्हें पहले ही मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी। कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।